हाय, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, तशीदले, सलाम वालेकुम, कैसे लग रहे हो आप मुझे? ये वीडियो आपके लिए है मेरे भाई, जिसने मुझे पूछा है कि भाई अभी आपको कैसा लग रहा है। मैं मस्त हूँ यार, जैसे पहला हूँ ऐसा हूँ। हाँ, आपको क्या लगा मैं बहुत दुख से होगा, परेशान होगा, ऐसा लगा क्या? देखो, जिंदगी में ना अप एंड डाउन होते रहते हैं, इस तरह बिजनेस भी अप एंड डाउन होते रहते हैं। हाँ, हालांकि जैसे कि मैंने बोला था ना, वो क्या कहते हैं, जब डिजिटल फाइनेंशियल मार्केट के बारे में स्टडी कर रहा था, क्लास ले रहा था, जो वीडियो मैंने बनाया था, वो बस मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ, ना कि किसी को क्या कहते हैं आप भी सीखना चाहिए, रिकमेंडेशन किया था ना उसे, या फिर रेफर, प्लीज सीखो। नो, मैंने किसी को रेफर नहीं किया, क्योंकि मुझे भी नहीं पता आगे जाके डूबेगा फंसेगा। हाँ, अफकोर्स, जो ये डिजिटल फाइनेंशियल मार्केट, देयर हैज नो गारंटी, नथिंग, कम्प्लीटली अप टू यू, आपके ऊपर है। कोई जो भी कहता है ना, गैम्बलिंग है, ये जुआ है, वगैरह वगैरह, सो ऑन, पर इसमें लाखपति करोड़पति भी बन सकता है, और दूसरी तरह अपना भाई की तरह खंगलपति भी बन सकता है। फिर भी देखो, ये आप पे निर्भर करता है, आपने जो खोया है उसको लेके आप दुख रहना है, या उसको एक सबक की तरह सोच के आगे बढ़ना है। जो दुर्घटना आपके साथ कल को घटा है, उसे सीख की तरह लेके, एक लेसन की तरह लेके आगे वो घटना नहीं घटे, इसको ख्याल रखना है। हाँ, आप ही बताओ मेरे भाई। और आपने जब पूछा मुझे कि आपको कैसे लग रहा है भाई अभी, तो आप पता चल गया होगा वैसे, क्योंकि मैं हर दो दिन चार दिन में तो वीडियो बनाते रहता हूँ। हालांकि अभी मैं दुबई में नहीं हूँ, नेपाल में हूँ, फिर भी मेरा वीडियो तो कंटिन्यूसली है, राइट? बस मैं ये कहना चाहता हूँ मेरे भाई, शायद आपने क्या कहते हैं, पॉजिटिवली भी पूछा हो सकता है या नेगेटिवली भी, जो भी हो, मैंने हालांकि 7-8 लाख जो गवाया है, इस चीज़ के लिए मेरे को कोई दुख नहीं है, रिग्रेट नहीं है, बिकॉज एक पार्ट है, वो लेसन है जिंदगी का, सीख है, मैंने इस तरह से एक्सेप्ट किया है। सो मैं बस अभी क्या कहते हैं, फ्यूचर में वो गलती नहीं करूँगा जो मैंने पास्ट में किया है। मेरे लिए 7-8 लाख हो या 1 लाख हो, बात बराबर है, ठीक है ना? जितना भी मैं गवाऊँ, उससे कहीं ज़्यादा मैं कमाने का दम रखता हूँ, ठीक है ना? ज़िंदगी में अप्स एंड डाउन्स होता है, बस बिजनेस है, इट्स अप टू अस कि हमें दुख करके बैठना है उस चीज़ से या खुश करना। मैं तो हमेशा से बताऊँ, कुछ हासिल करते हैं तो ओवर एक्साइटेड ना हो, एक्साइटेड जो होता है ना, ओ माय गॉड, मैंने ये कर लिया, वो कर लिया, नो, नेवर बी, ऐसा कभी होने की ज़रूरत नहीं है। अरे, आज आप हैं तो कल है या नहीं क्या पता, कहते हैं ना, कल हो ना हो, फिर आज आपका बस है बल्कि घमंड होना या कल नहीं होने में एकदम डूब होना या डिप्रेशन में जाना, ये यार हम इंसान की फितरत में नहीं होना चाहिए, राइट? बस ये छोटा सा एक मैसेज है आपके लिए मेरे भाई, सी हाउ एम आई टुडे। होप आपको अपना जवाब मिल गया होगा कि कैसे हैं भाई, अभी आप पूछा था ना, मैं ऐसे ही हूँ, आई एम फैंटास्टिक, जैसे थे वैसे ही हूँ और कल भी ऐसे ही रहने वाला हूँ। हालांकि मैं कल का लाखपति करोड़पति भी बन जाऊँगा ना, मैं कोई घमंड नहीं करूँगा, और ना ही आज मैं 7-8 लाख रुपए डुबा के दुख होके बैठा हूँ, ना ही रिग्रेट हुआ हूँ। सो ये आपके लिए मेरे भाई, होप आपको समझ गया होगा, मतलब मेरा जवाब आपको मिल गया होगा। सी यू सून, बाय बाय।